दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे Redmi Note 9 Pro Max के बारे में। देखिए दोस्तों, ये ऑटोमेटिक स्विच ऑफ प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपने कल का वीडियो देखा था, इसमें प्रॉब्लम आ रहा था क्या ना, इसमें कैमरा ओपन नहीं हो रहा था, वाईफाई ब्लूटूथ हॉटस्पॉट काम नहीं कर रहा था, वो तो मैंने रेडी कर दिया। देखो ये जो CPU रिवॉल्विंग के बाद ये तो प्रॉपर ठीक हो गया है। मैं अगर दिखाता हूँ ये वाला, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो कल का वीडियो जाके देखो, ये कैमरा ओपन नहीं हो रहा था। आगे पीछे का मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए आगे पीछे हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो है वाईफाई काम नहीं कर रहा था। देखिए वाईफाई अभी ऑन है, ठीक है, मैं इसको दिखा रहा हूँ। देखिए डायरेक्ट वाईफाई ऑन हो रहा है, वाईफाई सेटिंग में जाके दिखा रहा हूँ, ऑन हो रहा है। और हॉटस्पॉट जो भी है सब कुछ अभी वर्किंग है। देखिए मैं सब कुछ रेडी कर दिया, इसमें देखिए ब्लूटूथ भी ऑन है, और मैं अगर हॉटस्पॉट ऑन करूँ तो हॉटस्पॉट भी डायरेक्ट ऑन हो जा रहा है। तो वो प्रॉब्लम तो ठीक हो गया है, लेकिन अगर आपका मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो रहा है, मतलब कॉल आने से आपका मोबाइल बंद हो जाता है, कैमरा ओपन करो तो बंद हो जाता है, या तो चार्जिंग लगाने से ही आपका मोबाइल चल रहा है, अगर आपके पास Redmi Note 9, Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, इसमें से तीन चार मॉडल में कोई भी मॉडल है और ये प्रॉब्लम आ रहा है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ वाला, या तो ऑटोमेटिक रीबूट रीस्टार्ट हो रहा है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो? देखिए दोस्तों, इस मोबाइल को अगर आप किसी भी रिपेयरिंग शॉप लेके जाते हो तो डायरेक्टली बोलता है कि आपका बैटरी खराब हो गया है। अगर सर्विस सेंटर भी लेके जाते हो तब भी सेम चीज बोलता है कि आपका बैटरी खराब हो गया है, आप बैटरी चेंज कर लीजिए, आपका मोबाइल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बैटरी तो हर कोई चेंज नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसका प्राइस, बैटरी का प्राइस मिनिमम 2000 रुपया है, 1700-1800। अगर डुप्लीकेट बैटरी भी लगाते हो 800-1000 रुपया में मिल जाएगा, लेकिन वो चार्ज नहीं रखेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपका मोबाइल चार्ज एकदम ठीक ठाक रखता था और आपका मोबाइल अचानक जो है ऐसा मतलब प्रॉब्लम आ चुका है, जैसे कि ऑटोमेटिक स्विच ऑफ, ऑटोमेटिक रिस्टार्ट वाला प्रॉब्लम आ चुका है, तो आप उसको बिना बैटरी चेंज किए कैसे ठीक कर सकते हो, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा एक दूसरा चैनल है फ्री मोबाइल टेक के नाम से, उसको थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, उसमें भी जाके देखिए सेम कंटेंट उसमें भी आता है, उसको भी थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, उस चैनल को थोड़ा ग्रो कर दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो और एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास ये Redmi Note 9 Pro Max है और आपका जो है ये जो कैमरा प्रॉब्लम है, साउंड ब्लूटूथ का प्रॉब्लम है, तो आप हमारे पास भेज के अपना मोबाइल रिपेयर करा सकते हो। CPU रिवॉल्विंग हमारे पास होता है, अगर आपने कहीं पे खोला नहीं है मोबाइल तो भेज देना, 100% आपका मोबाइल बन जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा दूसरा चीज, हम आज का कंटेंट के ऊपर फोकस करते हैं। आज का कंटेंट ये है कि आपका मोबाइल अगर स्विच ऑफ हो रहा है, ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो रहा है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। आ जाओ थोड़ा मैं दिखाता हूँ, करीब आओ। देखिए ये मोबाइल है और ये उसका बैटरी है। देखिए इस मोबाइल को मैं नहीं खोलूंगा, ऑलरेडी फिटिंग है। और आपको क्या करना है, ऐसे देखिए सभी मोबाइल में बैटरी एक ही जैसा रहता है, तो मैं इसको दिखा रहा हूं। तो देखिए इधर एक कंपोनेंट रखा हुआ है, लिखा हुआ है क्यू, ये जो है कॉयल है, दिख रहा है ये क्यू लिखा हुआ है। इसके ऊपर आपको इधर से इधर तक जम्पर लगाना है, कोई भी बैटरी हो सेम चीज है, सेम तरीका, सेम ट्रिक। ये वीवो का बैटरी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इधर एक क्यू लिखा हुआ है, एक कंपोनेंट है, आपको इधर से इधर तक जम्पर लगा देना है, आपका प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये जो काम है ना, आप नॉर्मली घर में नहीं कर सकते हो, खुद नहीं खोल सकते हो, और इसमें रिस्क भी है, क्योंकि बैटरी लिथियम बैटरी है, अगर लीकेज होता है तो फटने का भी चांसेस रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको किसी अच्छा रिपेयरिंग शॉप में लेके जाना है और उसको बताना है कि ऐसे ऐसे करना है, बैटरी रिपेयर कर दो। अगर वो कर पाया तो ठीक है, अगर नहीं कर पाया तो वीडियो दिखा देना, मेरा चैनल में बहुत सारा ऐसा वीडियो है, उसको दिखा देना, वो कहाँ पे कहाँ जम्पर लगाना है वो पता चल जाएगा और खोल के कर देगा, 200-300 रुपया लेगा, आपका मोबाइल बिल्कुल सही तरीके से बन जाएगा, आपको दूसरा कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बैटरी चेंज करने का या तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।